हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक हो आप? उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के फजल करम के साथ आप बिल्कुल खुश बाश और फिट हो। तो दोस्तों, आज ये सीन है कि मैं काम पे आया, थोड़ा सा समझ लो लेट हो गया हूँ, 10 से 5 मिनट, और मैं नाश्ता भी नहीं कर पाया। तो फटाफट हम जाके अपना ना लॉगिन डालते हैं। लॉगिन डालने के बाद हम लोग आके ना तो कुछ लाइट सा खा लेते हैं। मैं सोचा था कि आज हम जो है ना फलाफल रैप खाएंगे, जिसको फलाफल शवारमा भी बोलते हैं। तो लॉगिन डाल के सबसे पहले हम लोग जाएंगे और जाके जो है ये खा लेंगे थोड़ा सा, ताकि पेट के अंदर कुछ आ जाए। खाली पेट जो है वो काम करना सही नहीं है। तो उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे अपना काम, जो कि आदत है अब बन चुकी है हमारी, जो कि अब हमारे खून के अंदर आ चुका है कि काम करना है। और बाहर जब आते हो आप दुबई वगैरह ऐसी कंट्रीज़ में, तो काम करना आप पे मसलत हो जाता है, क्योंकि आप अगर जब यहाँ काम करते हो फिर आपको पैसे भी मिलते हैं, और जब आप पैसे मिलते हैं आपकी ख्वाहिशें पूरी होती हैं। बात तो सही है। तो दोस्तों, ये है फलाफल, हम लेने आए इसी का सैंडविच। तो ये जो है हमारा फलाफल सैंडविच बन रहा है, सॉसेज, और ये जो है वो ये मेनली ताइना सॉस है, उससे ये जाना जाता है। और फलाफल ये रहा हमारा चिकन, और बीफ जो है वो शवारमों से अच्छा है ये फलाफल शवारमा, क्योंकि ये टेस्टी भी होता है और इसमें न्यूट्रिशंस और प्रोटीन ज़्यादा होता है। 5 minutes later. तो बॉस, ये आ गया हमारा फलाफल, और साथ में हमने ले लिया केचप और किसी जो है सुकून वाली जगह पे बैठ के तो अपना जो है वो लंच कर लेते हैं, क्योंकि मैं घर से नाश्ता नहीं करके आया था। तो जगह ढूंढने का टाइम नहीं था, मैंने सोचा दोस्तों चलते चलते इसको खाता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ फलाफल बनता किस तरह। ये जो फलाफल मेनली होता है ना, वो बनता है चनों का, और उसके बाद इसका जो ये रैप है जो मेरे हाथ में है, इसके ये बनता है फ्लैट ब्रेड का। इसके अंदर फिर वो लोग टमाटो डालते हैं, पिकल डालते हैं, और थोड़ा सा लेटस, कैबेज, ये वो चीज़ें डाल के तो इसको रैप बना के आपको दे देते हैं, और आप इंजॉय करते हो। तो हम चलते चलते ही खाएंगे, क्योंकि हमारा स्टाइल है कि चलते चलते गेम डालना, समझ रहे हो। और उसके बाद हम जाएंगे सीधा अपने स्टोर पे और जाके अपना काम स्टार्ट करेंगे, और आपको मिलेंगे उधर। तो दोस्तों, मंडे आते ही जो है ना सन्नाटा छा जाता है, डेड हो जाता है स्टोर हमारा। वालेकुम सलाम। स्टोर हमारा डेड हो जाता है, हर जगह खुशका छा जाता है। क्यों? क्योंकि ना मंडे वाले दिन ऑफिस डे होता है और कोई भी कस्टमर आता नहीं है। तो ये दिन जो है ना हमारे लिए भारी दिन होता है, पर फिर भी हम सरवाइव करेंगे। तो चलो चलते हैं। बाकी आपको आज ज़्यादातर सेल्स मेरे दोस्त ही मिलेंगे फ्लोर पे, कस्टमर तो है ही नहीं है, दूरों दूर तक नहीं है। लेकिन वायलेट, जब वायलेट में शायरी, मतलब जब बुक शुक से निकली, दीवान पूरे निकले हैं, तो फिर मतलब शायरी की दुनिया, अरे यार ये वालिद है, ठीक है। यानी वालिद के अंदर टैलेंट बहुत था, लेकिन आप रसूखदार आदमी हो, आपने मेरा टैलेंट दबाए हुए हो। हमारे पास से सड़क पर चल रहे हैं, आप राज दरबार में बैठते हो, आपका नाम ज़्यादा है। रॉक की एक नज़म बहुत मशहूर है, लाही हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा है। तो आपने आपने बताया था नईम, क्या नाम है नईम? नईम अख्तर, उनका एक ही शेर है। बहुत सारे शेर हैं, गूगल पे डालो, उसको यूट्यूब पे डालो, नईम अख्तर कानपुरी। तरक्की से पूरी नजम है, मैं तो नोलान कह रही अपनी जबान लगाम दे रहा है। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जो बेबी देसी बना के जो अपना रास्ता, बना के अपना रास्ता जो भीड़ जो भीड़ से निकल गया, पर नसीब था जो पूरा था। लखदीप, अच्छा यार सीन ये है कि अब जो है ब्रेक टाइम हो गया, और अब हम ब्रेक पे जा रहे हैं। बॉयज जो हैं वो ऑलरेडी ऊपर ही हैं, और हम जा रहे हैं अलबेग, वहाँ जाके ऑर्डर करेंगे खाना। तो यार दोस्तों, सीन ये है कि अलबेग में आप जब भी आते हो ना, तो यार रश बहुत होता है, तो अलबेग में आओ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
पेट्रोल बैग में आप आओ ना, तो आपको एक चीज का ख्याल रखना चाहिए, अगर आप एक घंटे की ब्रेक है तो उसको 20 मिनट पहले ही आ जाओ। और ऑर्डर आपको दिखा देते हैं, ऑर्डर में क्या क्या, ऑर्डर में 4 पीसेस चिकन है, हमने एक बिग बैग लिया है, एक डबल बैग लिया है। ये डबल बैग उस बंदे का, ये क्या नाम था, इजाज कह रहा था मैंने खाना नहीं है इतना ज्यादा, मेरा दोस्त है ये अब्दुलरहमान का है, ये मेरा है। तो ये टोटल ऑर्डर आप देख लो, प्राइस इनकी बहुत अच्छी है, 43 दिरहम में आपको दिखाऊंगा हमें क्या मिलने वाला है। और बाकी अल बेग जो है फेमस अपने चिकन के लिए, तो खाएंगे इंजॉय करेंगे। अच्छा दोस्तों, अगर आप प्राइस रेट लिस्ट देखो ना, आपको नज़र आ रही होगी, तो ये सारी चीज़ें इतनी सस्ती हैं कि एक नॉर्मल बंदा आराम से पेट भर के खा सकता है। और यही अल बैग अगर जो है पाकिस्तान में खुली है ना, तो ये लोग हमारी खोल देंगे। भैया आज हम दूसरे फूड कोर्ट में आए हैं, जगह ढूंढी है आपने, जगह वादू है हमारे पास, वो सामने एक टेबल पड़ा हुआ है, जगह तो ले लेंगे। तो यार दोस्तों सीन ये है कि बेक के अंदर एंट्रेंस ऐसे होती है, आप घूम के आते हो और यहाँ आके ऑर्डर देते हो। तो जाज भाई को, जाज भाई अंदर नहीं आए, उन्होंने जाज भाई को बोला था कि आप नहा के तो मिस्टर जाज जो है वो बात कर रहे हैं अपने लव से, स्माइल देख रहे हो आप, तड़प ही ऐसी है ना। तो यार ये आ गए अल बेक के फ्राइड चिकन, जो कि वर्ल्ड फेमस है। और ये जाज साहब खोलो, बड़ा हरामी हो। ये आ गया जाज साहब का बर्गर, ये आ गया अब्दुलरहमान का बर्गर। तो ये सारा फूड जो है हम इंजॉय करेंगे, खाएंगे बिस्मिल्लाह करके, चलें शुरू करते हैं। A few minutes later. दोस्तों हम आइसक्रीम लेने आए थे, तो ये लिखा है 15 दिरहम का एक स्कूप। तो मेरे प्यारे दोस्त ने समझाया कि 15 में 3 स्कूप। तो जब हमने स्टार्ट कर दी खानी, तो उसने कहा कि 50 दिरहम जो है ना, चल इधर दो। प्रैंक हो गया आपके साथ। तो दोस्तों ये जरा सीन चेक करो, ये एलजी का पोडियम है, यहाँ एलजी के टीवी सेल होते हैं। तो जरा टीवी की क्वालिटीज भी देखो, और यहाँ पर कस्टमर को जो सर्विस देते हैं वो चेक करें। इस तरफ आपको सोनी मिल जाता है, पर्सनली मुझे सोनी बहुत पसंद है, एलजी सैमसंग टीवी से ज्यादा। तो आपसे एक चीज शेयर करनी थी गाइस, वो ये थी कि जैसे कि आपको पता है कि अब रमजान खत्म हो गया, तो नॉर्मल शिफ्ट चल रही है। तो नॉर्मल शिफ्ट में क्या होता है ना कि जो हमारी शिफ्ट होती है ना, वो 9 घंटे की हो जाती है। तो जब 9 घंटे की हो जाती है ना, तो वी डोंट गेट इनफ टाइम टू गो आउट ऑफ आर स्टोर, क्योंकि हम तो स्टोर में ही काम करते हैं ना, मॉल में तो इतना टाइम नहीं मिलता बाहर जाएं, बाहर जाके कोई बड़ी जगह दिखाएं और वहाँ व्लॉग बनाएं। तो इस वजह से अभी जो भी बाउंड होके जो व्लॉग बन रहा है वो बन रहा है। तो ये नहीं आपने सोचना और अपने दिमाग में आने देना कि कॉन्टेंट ख़त्म हो गया, हम तो चलते फिरते कॉन्टेंट हैं। ये आपको जो आने वाली वीडियोस में बताऊंगा इंशाल्लाह, समझ आई आपको। तो अभी जो भी आपको दिखा रहे हैं वो रोज की रूटीन है, जहाँ व्लॉग डेली व्लॉग में क्या होता है कि मेरी नज़र में ये होता है कि जो मैं रोज कर रहा हूँ और वो कर रहा हूँ, मैं रियल हूँ, मैं एक्टिविटी फजूल की चीज़ें ये वो एक्स्ट्रा करके नहीं डालना चाहता, जिनका कोई मकसद ही नहीं बनता और मैं डाल के आपको दिखाता रहूँ, तो बेहतर ये है वो दिखाऊँ जो है। तो अब हम अंदर जाएंगे, एक घंटा रह गया ख़त्म करके काम का, फिर आपको बताता हूँ। बाकी उस चीज़ में ये है कि जो अब नेक्स्ट व्लॉग हमारा हम करने वाले हैं, या तो हम लोग बीच पे जाएंगे या फिर हम लोग जाएंगे ग्लोबल विलेज। ऑब्वियसली ग्लोबल विलेज ही जाऊँगा, क्योंकि वो 6 महीने बंद रहता है, 6 महीने खुलता है, तो उनकी न्यू रेनोवेशन होती है, न्यू चीज़ें वो लेके आते हैं, तो आपको मैं ग्लोबल विलेज लेके जाऊँगा। तो दोस्तों आज थोड़ा सा मैं खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैंने अपना प्रीमियम मॉडल सेल किया है रेफ्रिजरेटर का, फ्रिज का। सस्ती चीज़ें जो है ना वो सब बेच लेते हैं, महंगी चीज़ बेच के जो मज़ा आता है ना, उसका जो है ना सुरूरी जो है ना वो अलग होता है। तो मैंने जो मॉडल बेचा है ना, थोड़ा सा उसका आपको मैं डेमो दिखाता हूँ। चलो चलो। अच्छा दोस्तों आप सबको पता है, मैंने बताया हुआ है कि मैं अप्लायंसेस में काम करता हूँ, पर मैंने कभी आपसे शेयर नहीं किया कि मैं अप्लायंसेस के अंदर जो काम करता हूँ उन चीज़ों की खासियत क्या है। तो चलो मैं आपको उनमें से एक फ्रिज की दिखाता हूँ। ये मेरा सबसे प्रीमियम मॉडल है जो मैं सेल करता हूँ, इसका नाम है, नाम छोड़ो, नाम नहीं दसांगे। मगर क्यों ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। बट आपको जो है हिटाची ब्रांड का नाम बता दे तो मॉडल छोड़ो। अच्छा अब इसकी खासियत क्या है, इस ब्रांड को अगर आप बोलो कि कैसे इसको खास बनाया गया है हिटाची की तरफ से,
तो सबसे पहले आपको मिलता है ट्रिपल फिल्टर। ट्रिपल फिल्टर क्या करता है, आपकी ऑनियन एंड गार्लिक, रॉ फिश, विनेगर, इन तीनों की जो भी स्मेल होती है ट्रिपल फिल्टर उनको खत्म करता है और आपको एक अच्छी स्मेल मिलती है जब आप फ्रिज खोलते हो। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। फिर आपको मिलता है वैक्यूम कंपार्टमेंट। वैक्यूम कंपार्टमेंट में क्या होता है, इस वैक्यूम कंपार्टमेंट के अंदर कोई भी ऐसा खाना जो आप बनाते हो और आपको लगता है यार अभी मेरा दिल नहीं है खाना खाने का तो मैं सुबह खाऊंगा, तो आप इसमें रख दो, जब आप सुबह इसको खोलोगे तो वो खाना उसी तरह रहेगा जैसा वो फ्रेश बना है, इसके अंदर चीज खराब नहीं होगी। ठीक है, हाफ एप्पल खाया हाफ इसमें रख दो, तो अनकट कोई फ्रूट सब्जी है आपको डर है खराब हो जाएगी इसमें रख दो, होगी नहीं। क्या बात है सर। अब आ जाते हैं मेन चीज पे, इस फ्रिज के अंदर क्या है, ये ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट और ये नीचे वाला पार्ट, ये फ्रिज है ये फ्रीजर है, पर इसके अंदर एक ऐसी खासियत है, अगर खाली ये पार्ट की बात करें सिलेक्टेबल जोन की, तो इसके अंदर क्या होता है ये कन्वर्टेबल है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको अगर आप 2 सेकंड के लिए प्रेस करो, सॉरी इसको 2 सेकंड के लिए प्रेस करोगे ना तो ये ब्लिंक करेगा। ठीक है, सॉरी दरवाजा खुला हुआ है इसलिए वो कर नहीं रहा, तो 2 सेकंड के लिए आप प्रेस करो ये ब्लिंक करेगा, जैसे ही ब्लिंक करेगा तो इसको आप फ्रीजर, फ्रीजर चिलर, सो फ्रीजर कुछ भी आप फ्रिज भी बना सकते हो, तो मैंने इसको भी फ्रिज बना दिया, 5 मिनट बाद ये फ्रिज बन जाएगा, तो यानी अगर आपके पास यहाँ जगह खत्म हो रही है तो आप यहाँ भी यूटिलाइज कर सकते हो। फिर आपको क्या है, इसको ओपन करना है, इसके अंदर पानी डालना है, पानी डालने के बाद ये है ऑटोमेटिक आइस क्यूब, अगर आप पानी डाल दोगे यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक आइस क्यूब मिलते रहेंगे। ठीक है, बाकी ये प्रोडक्ट की जो मेन खासियतें हैं वो छोड़ो क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लेने तो वाले नहीं हो वीडियो में से, बात तो सही है। तो खैर ये एक मॉडल मैं आपसे शेयर इसलिए किया है क्योंकि ये मेरा खास और मेरा सबसे प्रीमियम मॉडल है, आपको मैं नजर आ रहा हूँ, बस आप अगर ये फ्रिज लेते हो आपको भी आप नजर आएंगे फ्रिज में से, बड़ी ठंड होगी यार, बड़ी ठंड होगी यार। तो दोस्तों काम से आ गए थे हम, सीधा जो है जिम, जिम कर लिया, घर जाएंगे, फ्रेश होएंगे, खाना खाएंगे और सो जाएंगे, फिर आपको मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, और प्लीज यार सपोर्ट करो अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स को मेरा कंटेंट दिखाओ, उनके साथ शेयर करो, उन लोगों को बोलो मुझे सपोर्ट दिखाने के लिए, क्योंकि इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपकी दुआओं के साथ, अल्लाह के करम के साथ इससे भी अच्छे कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अल्लाह हाफिज़।